भारतीय रेल का सबसे बड़ा डिवीजन दिल्ली मंडल है, जिसमें लगभग 40,000 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। यह मंडल 4 राज्यों में फैला हुआ है तथा विविधताओं एवं चुनौती से भरा हुआ है। दिल्ली मंडल में काम करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राजधानी क्षेत्र में स्थित इस मंडल के नजदीक में बड़ौदा हाउस तथा रेलवे मंत्रालय है, जिससे इसकी चुनौतियां तथा काम करने की कार्यशैली बाकी जगहों से भिन्न है। श्री देवेंद्र कुमार, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने कार्यभार 11 जुलाई 2017 को श्री अनुराग त्रिपाठी, जो डेपुटेशन पर सेक्रेटरी सीबीएसई बनकर जा रहे थे, उनसे ग्रहण किया। दिल्ली मंडल की कार्यशैली में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, चाहे वे भर्ती प्रक्रिया हो, प्रमोशन हो, सिलेक्शन हो, सूटेबिलिटी हो, अनुकंपा के आधार पर नौकरी हो या फिर कोर्ट केस हो, इन सभी क्षेत्रों में दिल्ली मंडल ने नई ऊंचाइयां हासिल करी। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, अंबेडकर जयंती, रन फॉर यूनिटी, दिव्यांगों के लिए वर्कशॉप का आयोजन, महिलाओं तथा बच्चों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना हो, या होली उत्सव, खेलकूद कार्य का आयोजन करना, करियर काउंसलिंग तथा मोटिवेशन के लिए भी आयोजन करना हो, इन सभी कार्यों में दिल्ली मंडल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा इस तरह कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया, जिससे बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित हो पाई। बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित करने हेतु समय समय पर अनौपचारिक मीटिंग, पीएनएम मीटिंग, एनपीएम मीटिंग, एसबीएफ मीटिंग का भी आयोजन समयबद्धता के तहत करते हुए बेहतर एवं शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए गए, जिससे प्रशासन को बेहतर रूप से चलाने में मदद मिली। कर्मचारियों के ज्ञान वर्धन तथा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनके कार्यकाल में कई कार्य किए गए, जिसके तहत कर्मचारियों को जोधपुर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया तथा इन हाउस प्रशिक्षण क्लासरूम तथा लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन माध्यम से जूम, वेब ZX के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनके कार्यकाल में पारदर्शिता को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिसके तहत कार्य संस्कृति में बदलाव किए गए, IT का उपयोग किया गया, जिसे सिंगल विंडो के माध्यम से शिकायत निवारण किया गया तथा अलग अलग स्थानों पर शिकायत निवारण कैंप का आयोजन लगातार किया गया, जिसे फील्ड कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो पाया तथा कर्मचारियों में प्रशासन के प्रति विश्वास तथा संवाद की भावना उत्पन्न हुई। इसी के तहत ई ऑफिस के माध्यम से कार्यशैली में भी बदलाव आया। कार्य कुशलता, कार्य में तीव्रता तथा समय पर कार्यों का निवारण बेहतर तरीके से हो पाया तथा कार्मिक विभाग दिल्ली मंडल में प्रथम पायदान पर पहुंच गया। इन सबको देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि श्री देवेंद्र कुमार के अथक प्रयासों और दूरदर्शिता से भारतीय रेल के दिल्ली मंडल ने न केवल नई ऊंचाइयां हासिल करी बल्कि कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। श्री देवेंद्र कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई नई चीजों को भी लागू किया, मसलन उम्मीद, HRMS और ई ऑफिस। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को रफ्तार देते हुए श्री देवेंद्र कुमार के कार्यकाल में दिल्ली मंडल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए, जैसे 1,00,000 उम्मीद कार्ड जारी किए गए, लगभग 15,000 कर्मचारियों को प्रमोशन अथवा MACP का लाभ मिला, HRMS तथा ई ऑफिस को लागू किया गया, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हजारों रेल कर्मचारियों को जोड़ा गया, COVID-19 की आपदा में जागरूकता अभियान के तहत सोशल मीडिया पर लघु फिल्म का निर्माण हुआ, फारूक नगर में सोशल इनिशिएटिव सेंटर का निर्माण हुआ, APRS का स्कैनिंग और केंद्रीकरण हुआ, पहली बार ग्रुप D से ग्रुप C में आने के लिए 922 कर्मचारियों का एग्जाम UPSC हॉल में हुआ तथा सभी प्रमोशनल एग्जाम्स में CCTV कैमरों का उपयोग भी हुआ। इन सभी उपलब्धियों का ही परिणाम रहा कि दिल्ली मंडल रेलवे वीक के दौरान कार्मिक शील्ड प्राप्त करने में सफल रहा।